पॉलिसी बनाती है, ऑटो टैक्सी वाले से पूछा नहीं जाता, ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है कि जिसकी वजह से आप सब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, उस कॉरपोरेशन में एक दो अफसर होंगे और बाकी सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले होंगे, वो चलाएंगे उस कॉरपोरेशन को। वो बनाएंगे गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी। गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी कोई पॉलिटिशियन और कोई ब्यूरोक्रेट अफसर बैठ के नहीं बनाएगा, गोवा की पॉलिसी गोवा के टैक्सी वाले बनाएंगे। दिल्ली के अंदर अभी पिछले साल हम लोगों ने टैक्सी वालों का ऑटो वालों का किराया बढ़ाया, वो जो कमेटी थी जिसने किराया बढ़ाया उसमें दो ऑफिसर थे, बाकी सारे टैक्सी वाले और ऑटो वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि किराया क्या होना चाहिए। ऐसे ही कॉरपोरेशन बनाएंगे तो ऐप होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये आप तय करेंगे, रेट क्या होना चाहिए आपका, फेयर कितना होना चाहिए ये आप तय करेंगे, फेयर साल में कितनी बार बढ़ना चाहिए ये आप तय करेंगे, पूरे टैक्सी के पूरे सेक्टर को आप लोग डिसाइड करेंगे, टैक्सी के लोग डिसाइड करेंगे, कम्यूटर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरे सेक्टर को गवर्न करना है। दूसरा, अगर किसी टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी, उसका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने पूरा सिस्टम फेसलेस कर दिया, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आरटीओ दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, वही दिल्ली वाला सिस्टम गोवा में भी लागू करेंगे। केवल फिटनेस के लिए आपको साल में एक बार गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारे सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि आपको किसी को रिश्वत ना देनी पड़े, आपको किसी पुलिस वाले को किसी ट्रांसपोर्ट वाले को किसी भी अफसर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारे रूल्स और सारा सिस्टम हम ठीक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।